शरीफ का कारनामा नहीं है, ये मैं आपको वाजे तौर पर बता दूं। लेकिन 2012 में ही हम बताते थे, आप कहते हैं अगर चाइना इंटरेस्टेड था गवादर ऑयल सिटी में तो आज आप उसको क्या ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ तो आपने कोई आगे पेशरफ्त नहीं की। सियासत की नजर हो गया और उसकी वजह यह, इसीलिए इन घुसबैठियों को लाया गया था। नवाज शरीफ को खासतौर पर सबसे पहले आते के साथ ही इसने ईरान गैस पाइपलाइन को वाइंड अप किया, जिसका बाकायदा असेंबली में इजहार किया था जहां हम लड़े थे, और उसके बाद फिर ये इसको 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 माइंडसेट बनाया गया। अमेरिका ने एक माइंडसेट बनाया टापी, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब मैं आपको ये बताऊं, यही तो सारा खेल था जिसको मैं दुनिया में बता रहा था कि एक फैसला होना है 2016 में कि हमने किसके साथ खड़ा होना है। तो नवाज शरीफ ने वो फैसला कर दिया टापी करके कि हमने अमेरिका और इंडिया के साथ खड़ा होना है, चाइना, रशिया, ईरान को छोड़ के। अब मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में दो